दोस्त जो है वो बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। अभी तीन मैच, तीनों जीतने उन्होंने, तो अगर पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीत जाए और अच्छे रन रेट से जीत जाए और साउथ अफ्रीका अपने, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। और जी हो, अगर साउथ अफ्रीका तीनों हार गया, पांच पे खत्म हो गया और नेट रन उनका इंतकाल हो गया, दूसरा सुन लो फिर, दूसरा सिनारियो है कि पाकिस्तान तीनों जीत जाए, हाँ, और तीन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के जो चार मैच हैं उनमें चार पर एक और सिनारियो है, वो है कि न्यूजीलैंड या फिर इंडिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से शिकस्त के बाद अब हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये समझ रहा है कि शायद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पहुंच सकता है। क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, इस वजह से मुकम्मल तफसील से हम वीडियो देखेंगे। और अंपायर के फैसले ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, काश वो अंपायर आउट दे देते और पाकिस्तान ये मैच जीत चुका होता। तो आइए हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। बड़ी चर्चा थी, सब लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा लोग निराश हैं कि भाई तबरेज़ शम्सी को जो है ऑनफील्ड आउट नहीं दिया गया है, पर बाबर आजम ने बोल दिया है कि भाई पार्ट ऑफ द गेम, अंपायर्स कॉल कभी आपको फेवर करती है कभी नहीं करती है, तो उस तरीके से आप क्या उस पर कहें, मतलब किस तरीके से कभी बोल भी नहीं सकते थे वो, कैसे बोलने बचा, कभी कहीं जाते बोलेंगे तो आईसीसी एक्शन ले लेगा। नहीं, वेंडर डसन का विकेट मिला भी था उनको आज, मतलब वही एम्पायर्स के, वही है कि वो वही रहता है कभी आपके, यार विराट कोहली जो हम 5-3 उस टाइम हुए थे 19 में, अंपायर्स कॉल पर विराट भी आउट हुए थे, ट्रेंट बोल्ट का बॉल मेरे ख्याल से जो था, सब हुए वही मैं कह रहा हूँ सब बोला बाबर। और बाकी उन्होंने मतलब जो, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर यार एक कप्तान है, मतलब अफगानिस्तान का हो गया था ना, उनको पता नहीं था सिनेरियो, बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई कोशिश, वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विन दिस मैच एंड स्टे इन द टूर्नामेंट बट वी मिस्ड इट। उन्होंने उन्होंने मान लिया कि हम बाहर हैं, कि हमारी रेस जो है खत्म हो गई, बट फिर भी सर एक चल रहा है समीकरण कुछ, अगर आप तक नहीं, उन्होंने तीसरी बात भी बोली है ना, अगले तीन मैचों में हम कोशिश करेंगे कि अगले तीन मैचेस हम जीत जाएं और जीत के साथ यहां पर विदा लें, ये इन्होंने कोशिश नहीं, बड़ी गंदी फिर इक्वेशन आती है, आपको पिछले वर्ल्ड कप में याद होगा ना, इनको 500 रन से जीतना था अफगानिस्तान से, एक सेकंड टैली पे नजर मार सकते हैं दोबारा, एक सेकंड, उसके बाद जो डिफरेंट इक्वेशंस चल रही हैं उन पे बात करते हैं और फिर आपके सवाल, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अब बाबर का क्या होगा, बाबर के लिए पिछले 50 दिन क्या लेकर आए, क्या लेकर गए और अब उनका क्या होगा। तो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने झलक तो दे दी। खैर, ये पॉइंट्स टैली है जी आपके सामने, बड़ा मुश्किल होगा ये साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस चौकड़ी को तोड़ के श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेदरलैंड में से कोई एक आखिरी चार में आए, इम्पॉसिबल टाइप तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ना सिर्फ मैथमेटिक्स ना देखिए, आप ये भी देखिए यार किसके पास क्या मोमेंटम है, किसके पास क्या स्किल सेट है और कौन सी टीम मौकों को भुना रही है और कौन सी टीम मौकों को जाया कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूँ, हमारे दोस्त जो है वो बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। अभी तीन मैच, तीनों जीतने उन्होंने, तो अगर पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीत जाए और अच्छे रन रेट से जीत जाए और साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच हार जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। किसकी जगह पर, एक इक्वेशन है कि साउथ अफ्रीका हारे और प्लस श्रीलंका नहीं जा सकता, अभी सुन तो लीजिए ना, प्लस इसमें है, मतलब ये ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका हारे प्लस अगली टीम, अब आप बता, बेसिकली बाकी जो मर्जी हो, अगर साउथ अफ्रीका तीनों हार गया, पांच पे खत्म हो गया और नेट रन उनका इंतकाल हो गया, आप पाकिस्तान फैंस का दिल तोड़ रहे हो, सुन लीजिए ना, पाकिस्तान तीनों जीत गया और क्यों आप सर उन्हें झूठे सपने दिखाते हो यार, क्यों आप उन्हें झूठे सपने दिखाते हो। दूसरा सुन लो फिर, दूसरा सिनारियो है कि पाकिस्तान तीनों जीत जाए, हाँ, और तीन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के जो चार मैच हैं उनमें से वो तीन हार जाए, ऑस्ट्रेलिया आने वाले वो चार पर रह जाए, चार मैचों में तीन हार जाए, ऑस्ट्रेलिया चार पर, एक और सिनेरियो है वो है कि न्यूजीलैंड या फिर इंडिया अपने चारों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपने अगले तीन जीत जाए तो भी पाकिस्तान जा सकता है। बेसिकली सब हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए, हाँ, सिंपल सी बात है। कुछ होगा भी ना सर तो इंग्लैंड का होगा,
क्योंकि सेम इक्वेशन अप्लाइज फॉर इंग्लैंड। मैं बताता हूं अगर कोई कुछ होगा आईपीएल हमारे आरसीबी को और हम कैलकुलेटर हमारे पास बहुत आता है, ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में, ये भी जीत जाए वो भी जीत जाए ये भी हार जाए वो भी हार जाए, और कभी कभार होता है ना कभी नहीं होता, एक टीम के साथ हो सकता है और जो पहला ठीक है और वो भी एक मैच के लिए। इसमें पहला सिनेरियो सर ने बताया कि पाकिस्तान सारा इतना अच्छा जीतेगा। यार मनोज छोड़ो यार ये सब चीजें, नहीं होगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो बोल रहे हैं जो आप देख रहे हो उनको भी पता है नहीं होगा। मैच जीत सकते थे पाकिस्तान इंडिया से, मैच जीत सकता था, हाँ जी जीता नहीं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत सकता था, जीत सकता था जीता नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच जीत सकता था, जीतना चाहिए था जीता नहीं, अफगानिस्तान जीता, साउथ अफ्रीका से जीत सकता था जीता नहीं, तो अब क्या करेंगे, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच सकता है, जीत सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश से, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच सकता, यार आप सवाल पहले पूछो, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच सकता है या था, है मैं नहीं पहले था मैं पहुंचा नहीं, नहीं पहुंचेगा नो नहीं, खत्म पीरियड, सवाल जवाब पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा, सवाल जवाब कर दे ना, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा 700 है आज बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच क्या लग रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं दूसरे सवाल पे आ जाते, ये तो अरे यार एक बस सबसे अभी आज लेना चाहता हूँ सवाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश कोई भी जीत जाए यार एक बताओ क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान नहीं नहीं एक मिनट सर, जब भी आपसे सवाल पूछते नहीं नहीं आप एक जवाब दो अपनी बारी में, कोई भी जीत जाए ऐसे बात थोड़ी है यार, यार अब वो जीत जाए आपको पसीने अरे यार कोई भी अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड फॉर बोथ दोस टीम्स, ये क्या बात, अरे अब वो सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट रह गया, अब आप 100-100 मारो, सब मारो 100, 71 के स्ट्राइक से एक स्ट्राइक रेट से मारो या 700 के मारो, क्या फर्क पड़ रहा, मारेंगे राहुल भाई चाकू छुरिया निकल चुकी है, जब वो कराची वापस पहुंचेंगे तब तक वो लाहौर जाएंगे कराची, जहां मर्जी क्यों क्यों नहीं नहीं मेरा कहीं भी जाए, कराची जाए लाहौर जाए लाहौर पिंडी जाए कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, ये इट्स अ गुड आइडिया, उनसे शुरू करके फिर ऐसे करिए आप इनसे ले लीजिए 2 मिनट की स्पीच, नहीं मैंने बोल दिया बाबर आजम की कप्तानी जानी चाहिए, मनोज आप अगला नहीं अगला कौन बनना चाहिए, वाइड बॉल में आप रिजवान को बना दो, एक तो कप्तान तो बाबर ही रहे फिर है? अगर आप रिजवान को बना रहे हो तो मनोज एक बात बताऊं मैं आप रिजवान पर शक कर रहे हैं उनके इतने नहीं, 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 मैं नहीं आप कर रहे हैं, जय वीरू की जोड़ी, मैं तो जय वीरू क्या होता है, रिजवान वो तो वैसे भी खुद ही कर, बस ये है कि रिजवान एक बात बताऊं, रिजवान के साथ एक बात बताता हूं, एक अच्छा मतलब जो परफॉर्म कर दे मनोज बेगर्स कांट बी चूजर, डीआरएस ले नहीं पाते, वही मैं बोल रहा था डीआरएस की दिक्कत होगी, 5 ओवर में डीआरएस खत्म हो चुके होंगे, पर आप मनोज सिंपल सी बात है, हमने पिछले शो में एक बात कही थी वही बात मैं दोहरा रहा हूं, सिस्टम आपके सिस्टम में कमजोरियां हैं, आपकी बुनियाद जो है वो हिली हुई है, आप चाहे कप्तान बदलिए, आप चाहे पीसीबी चेयरमैन बदलिए, आप चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम बदलिए, क्रिकेट अब आपको ना बहुत वक्त लगेगा वापस आने, क्यों चाहते हो आप, क्योंकि मतलब एक आपके अंदर से आएगी बाबर की कप्तानी क्योंकि क्यों चाहते नहीं जानी चाहिए, नहीं मैं बाबर से बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई, देखो ऐसा है पाकिस्तान क्रिकेट को हमने भी बहुत फॉलो किया है और बहुत बड़ा पसंद किया है, और पाकिस्तान नहीं आज की बात नहीं कर रहा हूँ मनोज, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ भी रहे हैं, जब भी बात होती है मुलाकात होती है बड़ी इज्जत भी होती है, और आज भी यार उनसे ना वो उनमें वो हीरो दिखते हैं वो लोग, क्या क्रिकेट खेलते थे ठीक है, मैं इस टीम के साथ वो एसोसिएट कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं होता है मेरा, मैं इस टीम के साथ इन खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम इससे फलाने से बेहतर है फलाने से, और बाबर आजम यार मतलब पूरा टूर्नामेंट अभी 6 मैचेस हो गए आपके, 71 का स्ट्राइक रेट है उसका, ही इज द थर्ड।